मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लाहौर में, कृष्ण नगर में मेरा घर है। मैं 5 क्लास में पढ़ता हूँ, लेकिन एंड में है ना, मुझे अल्टीमेटली इधर आना पड़ा अपने इलाज के लिए, अपने दोनों गुर्दे निकालने के लिए हैं। तो अब शायद मैं एनुअल ना दूँ, वैसे दे भी सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकते। अब्दुल्ला के साथ हमने शुरू से बहुत स्ट्रगल की है, वहाँ पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा इसको ऑपरेट किया उन्होंने और बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई है वहाँ पे। तो अब इसका ट्रांसप्लांट हुआ था 2.5 साल पहले, इसको इन्फेक्शन हो रही थी, उसके लिए हमने वहाँ पे किया डॉक्टर से रब्ता। उन्होंने जो हमें हल बताया वो बहुत मुश्किल था कि इसके ओल्ड किडनी वो रिमूव करेंगे, मगर वो किस तरीके से करेंगे वो बहुत ख़तरनाक था। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट भी इसको रिपीटेड अटैक्स ऑफ यूटीआईज चलते रहे, जिस सिलसिले में जो उस वक्त यहाँ पे यहाँ आने से पहले जो बार बार जब इसको इन्फेक्शन होती रही, तो वहाँ पे जो है ना, जो यही डिसाइड हुआ कि इसके अब जो है ना, जो एक चीज़ रह गई है जो उस वक्त नेफ्रेक्टमी नहीं थी, वो इसके दोनों गुर्दे निकलवाने पड़ेंगे आपको। मोहम्मद अब्दुल 15-16 साल का लड़का है, उसकी किडनी फेल हो गई थी क्योंकि उसको एक पोस्टेरियर तलवार और बाइलेटरल रिफ्लेक्स की बीमारी थी। इस बीमारी में जब पेशेंट पेशाब करता है तो आधी पेशाब किडनी में चली जाती है और सिंस वो पूरी यूरिन निकल नहीं पाती तो बार बार इन्फेक्शन होता है। उसको ऑपरेशन के पहले उसकी ये दोनों किडनी एंड यूरेटर ब्लैडर तक निकाल देना था, फिर ट्रांसप्लांट करना था, लेकिन लाहौर में उसका ट्रांसप्लांट कर दिया गया और उसके किडनीज और यूरेटर नहीं निकाले गए। तो उसका ट्रांसप्लांट 2 साल पहले हो गया था, लेकिन इस 2 साल में उसको कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा इन्फेक्शन की वजह से, जिससे कि वो काफ़ी परेशान था। फाइनली उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं इस सिलसिले में काफ़ी वर्ड था, मैंने फिर इंटरनेट पर मुख्तलिफ जगहों पर रबता किया, उसमें मेरा जो फोर्टिस हॉस्पिटल वालों ने मुझे रिस्पांस दिया, डॉक्टर अनंत कुमार साहब ने, इनसे वहीं पे पाकिस्तान में मेरी फ़ोन पे भी बात होती रही। इनका जो प्लान था वो मुझे बड़ा, यानी वो समझ में आया कि जो इसके आप लैप्रोस्कोपिकली, इन्होंने एक प्लान दिया कि हम लैप्रोस्कोपी से बाइलैटरल नेफ्रो यूरेट्रेक्टमी करेंगे। पेशेंट हैज़ गॉट वेरी हाई टेक्नोलॉजी laparoscopic bilateral nephrectomy. So advantage was that only one operation, patient discharged within 4 days. He would require a follow up by urine cultures which have to be repeated at least after a month and subsequently maybe less frequently every 3 months. Suppose he has a fever again, then he has to take a course of antibiotics and consult us again regarding this problem. अनंत कुमार साहब ने, उन्होंने, मैं उनका सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी सर्जरी किया कि मैं सोच नहीं था सकता कि बच्चा 3rd-4th दिन ये चल फिर रहा था। तो ये सारी बातें इस तरह की हैं कि मैं समझता हूँ कि, बल्कि मेरा चूँकि प्रोफेशन भी ऐसा है, मैं ख़ुद भी अपने जो वहाँ पर क्लिनिक पर इनका एक लिख के ज़रूर लगाऊँगा वहाँ पर, एक माउंटिंग सी बना के, कि किसी भी बंदे को ज़रूरत हो ये ट्रीटमेंट की तो मुझसे रबता करें, मैं आपको गाइड करूँ कि आप फोर्टिस हॉस्पिटल जाएँ। जब डॉक्टर अनंत कुमार साहब को और डॉक्टर अमन को हम देखते थे, ख़ास तौर पे मैं, तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे ही हमारा इनके साथ रियल ब्लड का कोई रिलेशन है, कि ये इतने वरीड हैं, हमें इतनी अच्छी तरह से हमें गाइड कर रहे हैं, हम जो पूछते हैं हमें बताते हैं। और इसमें बस यही कि हमारे साथ बड़े अच्छे हालात यहाँ पर रहे हैं, हम बहुत खौफजदा थे जब आए हैं, हमने कहा पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, कोई हमारी बात सही तरह सुनेगा या कोई हमारे साथ, जिस जो हम चाहते हैं कि सेफ इसकी सर्जरी हो जाए और सारे बाद में हालात सही रहें, और सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ। ये जो 5 घंटे इसका ऑपरेट हुआ, वो 5 घंटे काफ़ी टेंशन थी मुझे कि अब इसका वो कंप्लीट हो जाए, होश में आ जाए, बाद में सारा कुछ नॉर्मल रहे, वो शुक्र अल्लाह का सारा कुछ ठीक रहा।